नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों की ओर। सीएसपी पल्लवी शुक्ला अपनी टीम के साथ पहुंची बच्चों के स्कूल। बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए दिया संदेश। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रदेश में दस्तक दे चुकी है, इसलिए सभी बच्चे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से बार बार अपने हाथ धोएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वहीं अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना की गाइडलाइंस के नियम से अवगत कराएं। सीएसपी पल्लवी शुक्ला महिला और परिवार केंद्र पर पहुंची। वहां पर महिला संबंधित अपराधों व साइबर संबंधित अपराधों व कोरोना वायरस से सुरक्षा नियमों से अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक किया गया। स्कूल के बच्चों को आज उज्जैन पुलिस द्वारा एक कोरोना से रिलेटेड जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे और मास्क लगाएंगे, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इसके अलावा साइबर रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं, बूस्टर डोज को लेकर जो ऑनलाइन ठगी के मामले हो रहे हैं और अन्य मामले, साइबर रिलेटेड अन्य मामलों को भी बच्चों को अवगत कराया गया। कई बालिकाएं भी इसमें शामिल थी, तो उनको महिला संबंधी अपराधों से भी अवगत कराकर सारे पुलिस के थानों के और हेल्पलाइन के नंबर दिए गए हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चे डायरेक्टली उस पर कॉन्टैक्ट कर सकें।